अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अपनी फर्स्ट रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। इसको बनाने के लिए जिस मटेरियल हमें ज़रूरी है चाहिए वो ये हैं, कलर्ड गिरी, पिस्ता, काजू, बादाम। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है जिसको अब हम गर्म करेंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने दूध को बॉईल कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब इसमें सिर्फ एक उबाल आने का इंतज़ार है। जी व्यूअर्स, हमारा दूध गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मुसलसल चम्मच मारेंगे ताकि अच्छी तरह हो जाए। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें अपना पेस्ट ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी जो हमारा कस्टर्ड है उसका पेस्ट ऐड कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि इसमें क्रम्स जो होते हैं वो ऐड। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा पेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, 1 कटोरी चीनी डालेंगे हम इसमें, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी जो सी अच्छी तरह हल ना हो जाए और अपनी और हम अपनी फ्लेम जो सी है वो लो रखेंगे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, हम इसको 5 मिनट मुसलसल इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, हल हो जाए। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है और अपनी और हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरह हल हो चुकी है। अब हम इसमें मटेरियल ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे, मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ा नहीं हो जाता। जी व्यूअर्स, अब हम इसको कुछ मिनट के लिए कवर कर देंगे। जी व्यूअर्स, हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको उतारते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इसको चेक करते हैं कि अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। जी व्यूअर्स, हमने अपना कस्टर्ड बाउल में डाल लिया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें पिस्ता डाल रहे हैं। अब हम इसमें बादाम डाल रहे हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें काजू डाल रहे हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें कलर्ड गिरी डाल रहे हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें केक डाल रहे हैं।
केक के हमने छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने कस्टर्ड को अच्छी तरह डेकोरेट कर लिया है। जी व्यूअर्स, अब हम अपने कस्टर्ड को फ्रिज में 8 घंटे के लिए रखेंगे और इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। जी व्यूअर्स, हमने अपने कस्टर्ड को 1/2 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है और हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। जी व्यूअर्स, हमने इसको सर्व कर लिया है। होप सो आपको मेरी पहली डिश जो उनसे अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी पहली डिश अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।